टेम्पू में लगे लिए तीन सवारी है, बस पूरा भर भर के जा रही है। सवारी कहा कि तीनों को बैठाइए तो किराया बढ़ा देंगे। मेकअप तो करना है कहीं ना कहीं, और नहीं मेकअप करेंगे तो 87 रुपये लीटर CNG है, कहाँ से भरेंगे हम लोग। तीनों सवारी के जिएंगे नहीं, किराया 400 देना पड़ता है, कहाँ देंगे। अगर इन लोग का वाजिब दाम अगर ले रहे हैं लोग तब तो ठीक है, पर वो लोडिंग नहीं होना चाहिए, उससे खतरा भी होता है ऑटो पलटने का, या वो सवारी भी बैठते हैं उस पर भी। टैक्स टोकन बढ़ गया, परमिट बढ़ गया, तो सब कहाँ से पूरा होगा, सब बोलिए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं News 24। इस वक्त मौजूद है पटना जंक्शन के समीप, आप देख सकते हैं हमारे पीछे पटना जंक्शन साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा। हम जानते हैं जिस तरीके से पिछले कुछ समय से चालान कटने की बात की जाए तो टू व्हीलर्स यानी बाइक्स की चालान हेलमेट्स को लेकर काटे जा रहे हैं, साथ में फोर व्हीलर्स के भी चालान काटे जा रहे हैं। जगह जगह पर स्पीड कैमरा लगाया जा रहा है, स्पीड गन कैमरा भी लगाया जा रहा है, और अब सवारी गाड़ी यानी कि ऑटो जितने भी चल रहे हैं उन ऑटो पे ओवरलोडिंग को लेकर भी चालान काटने की बात अब सामने आ चुकी है कि आप ओवरलोडिंग ऑटो में बिठा कर नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि लिमिटेड लोगों को ही आप ले जा सकते हैं। क्या इससे ऑटो वाले खुश हैं, बेशक तौर पर हम पूछेंगे, साथ में ओवरलोडिंग को लेकर भी हम बात करेंगे कि ओवरलोडिंग अगर जिस तरीके से मना हो गई है उस पर ऑटो वाले क्या कहते हैं। ओवरलोडिंग मना है फिर आगे क्या जी भैया? ओवरलोडिंग मना है ना, क्या करें, बैठाना पड़ता है। कारण बोलिए, कारण सुनिए। कारण प्रशासन भगाते रहता है, क्या करें। भाड़ा बढ़ाइएगा, भाड़ा बढ़ाइएगा अगर लिमिटेड आदमी को ले जाना है तो। अगर कम आदमी को जाएगा तो भाड़ा कम होगा। अगर हम जानते हैं कि अगर ऑटो ड्राइवर्स को लिमिटेड पैसेंजर बिठाना होगा तो बेशक सी बात है कि भाड़ा यानी किराया बढ़ाने की बात भी वो साफ तौर पर करेंगे ही। चल लिमिटेड सवारी बिठाने की बात आई है, पता है आपको कि आप लिमिटेड सवारी बिठाएंगे बस। हाँ, तो लिमिटेड सरकार का जो आदेश होगा वही ना काम करना होगा, तो आप लिमिटेड बिठाइएगा। क्या करना है, जो सरकार जो कहेगा उसी पर ना चलना। लिमिटेड लिमिटेड सवारी में आपका निकल जाएगा किराया, किराया बढ़ाएंगे, विकल्प तो कुछ ना कुछ तो चुनना पड़ेगा ना। किराया बढ़ाएंगे, किराया बढ़ा कर तीन सवारी कहेगा कि तीनों को बैठाइए तो किराया बढ़ा देंगे। मेकअप तो करना है कहीं ना कहीं, और नहीं मेकअप करेंगे तो 87 रुपये लीटर CNG है, कहाँ से भरेंगे हम लोग। टैक्स टोकन बढ़ गया, परमिट बढ़ गया, तो सब कहाँ से पूरा होगा, सब बोलिए, देना है ना। अच्छा, जिस तरीके से लिमिटेड जैसे ही होता है कि आप इतने बड़े ऑटो में सिर्फ 3 से 4 लोग बिठा सकते हैं, आगे आप एक भी नहीं बिठा सकते हैं, तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, जो सरकार कहेगा उसमें मंजूर हम लोग का है, बट सीधे हम लोग बढ़ा देंगे, भाड़ा बढ़ा देंगे, भाड़ा बढ़ा कर बैठाएंगे, भाड़ा बैठा कर बढ़ाएंगे, और क्या कर सकते हैं। का जो स्टैंड है सबसे कचरा का जगह है, यहाँ बैठते हैं हम लोग, गाड़ी लगाते हैं लाइन में तो लगता है कि कोरला हो जाएगा, जिस तरह से गंध करता है, स्मेल करता है। आगे बढ़ के लीजिए, आगे बढ़ के देखिए, जिस तरह से स्मेल करता है, सवारी नहीं बैठ पाता है। कचरे की बात करें तो हम साफ तौर पर हमने आपको दिखाया है कि जीपीओ गोलंबर के पास जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर भी नगर निगम द्वारा कोई देखरेख नहीं किया जा रहा, कचरा वहाँ पर भी है। यहाँ के ऑटो स्टैंड पर भी यही हाल है, कोई भी साफ सफाई करने कोई मतलब देखने नहीं आता, कोई कर्मचारी नहीं, नगर नहीं है तो अभी यह आदमी आगे हम लोग का महक होंगे पड़ता और क्या बताइए। अब बोलते तो कहता है कि तुम मेरा काम करो ना, अपना यार अपना काम करो, अपना काम करो, बहुत ज्यादा बहस कर देगी, सब होता टोटल। टेम्पू में लगे लिए 3 सवारी है, बस पूरा भर भर के जा रही है। तीन को सवारी पता पड़ेगा, डीजल भराएंगे कि गैस भराएंगे कि पेपर भराएंगे, अपना बलोचा देखेंगे कि अपना देखेंगे कि जमा देंगे। सरकार मनमानी कर रहा भैया और कुछ नहीं। आपकी ऑटो है ना। अच्छा, ओवरलोडिंग को लेकर बात आ सामने आई कि ओवरलोड नहीं ज़्यादा कर सकते, फिर भी आप आगे बिठाए हुए हैं, ये हो गया बराबर नहीं है, एक ही बता सकते क्या करें, पकड़ेगा चालान काट लेगा, दौड़ के बैठाना पड़ता है, क्या नहीं दौड़ के बैठाना पड़ता है भैया। अच्छा, आप जैसे कि सवारी हैं तो आप क्या सोचते हैं कि इन लोगों का भाड़ा बढ़ना चाहिए या फिर ओवरलोडिंग ही करके जाना चाहिए, आप कैसे जाना पसंद करेंगे, ज़्यादा भाड़ा देकर या फिर ओवरलोड में जाकर। ओवरलोडिंग तो सही नहीं होगा, आप ज़्यादा पैसे देकर जाना पसंद करेंगे या ओवरलोड में। ज़्यादा पैसा अगर लेके हो रहा है तो ठीक है, ओवरलोडिंग तो होना नहीं चाहिए। अगर इन लोग का वाजिब दाम अगर ले रहे हैं लोग तब तो ठीक है, पर ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए, उससे खतरा भी होता है ऑटो पलटने का, या वो सवारी भी बैठते हैं उस पर भी, तो 2-4 एक्स्ट्रा है तो ठीक है। अच्छा, आप बताइए, आप भाड़ा बढ़ाने का बात कहेंगे या फिर ओवरलोड ही ले जाएंगे। भाड़ा बढ़ाएंगे, क्या करेगा, तीनों सवारी के जिएंगे नहीं, किराया 400 देना पड़ता है, कहाँ देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको दिखाया किस तरीके से ऑटो ड्राइवर से भी हमने बात की, साथ में सवारी से भी बात किया हमने, ओवरलोडिंग और साथ में इस बारे में भी विषय में बात की कि
ओवरलोडिंग बिठाएंगे या फिर ज़्यादा भाड़ा देकर जाना वो अपने जेब से खर्च करेंगे, ज़्यादा पैसा देकर ही जाएंगे वो। साफ तौर पर जो यात्री थे, जो सवारी थे, उन्होंने कहा कि हम, किन्हीं ने कहा कि ओवरलोडिंग में जाएंगे, तो कोई कहते हैं कि हम ज़्यादा पैसा देकर ही जाना पसंद करेंगे क्योंकि खतरा नहीं होता है उसमें। हमें एक बात सामने आई है, कुछ ऑटो ड्राइवर्स ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो बस है, बस में अगर 50 लोगों की बैठने की जगह रहती है, स्टिल बस 150 लोगों, तो 100 से 150 लोगों को ले जाते हैं, और हम ऑटो वाले अगर एक दो बिठा लेते हैं तो उस पर बातें बननी चालू हो जाती है क्योंकि हम कमज़ोर हैं। यहाँ पर हमने साफ तौर पर आपको ये भी दिखाया कि यहाँ पर भी GPO गोलंबर के ऑटो स्टैंड वाला ही हाल है, यानी कि यहाँ पर भी साफ़ सफाई को लेकर कोई भी देख रेख नहीं है। अगर आप एक तरीके से कहते हैं कि ऑटो ड्राइवर्स को लिमिटेड रखेंगे, ऑटो ड्राइवर्स के काम को लिमिटेड रखेंगे, तो आपको उनके स्टैंड को भी लिमिटेड रखना होगा, सुंदर दिखाना होगा। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें 24। मैं नंदन, कैमरा मैन के साथ, धन्यवाद।